Assalamualaikum, मैं जुलेखा अल्फा जुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बीटरूट का सलाद। बहुत ही सिंपल, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा फस फ्री वाला रेसिपी है और बहुत ही मजेदार लगेगी। अच्छा, इसे चुकंदर भी कहते हैं, चुकंदर का सलाद बनाते हैं। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज। चलिए, कुकर के अंदर दो बीटरूट डाल दीजिए, 200 ग्राम है, पानी डाल दीजिए और ढक्कन ढक दीजिए कुकर का। फास्ट आंच पर 6-8 सीटी खिला लीजिए, तब तक पकाएं जब तक बीटरूट गल नहीं जाते। जब गल जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और एकदम कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए, प्रेशर निकल जाने दीजिए। जब प्रेशर निकल जाए तो खोल कर चेक कर लीजिए। जब ये जो छुरी है इस तरीके से एकदम आसानी से अंदर चली जाए, इसका मतलब हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। बीटरूट को एक प्याले के अंदर नितार के निकाल लीजिए। अब इन्हें साइड पर रख दीजिए। तब तक हम दूसरा एक छोटा सा मिक्सर बना लेते हैं। एक प्याले के अंदर 1 टेबलस्पून नींबू का रस डाल दीजिए, 2 छोटे चाय के चम्मच शक्कर के डाल दीजिए, चुटकी भर नमक डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, बाद में एडजस्ट कर सकेंगे, और 1/4 से 1/2 छोटे चाय का चम्मच मतलब 1/8 छोटा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए, और 1/8 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। अब ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और साइड पर रख दीजिए। तब तक ये ठंडा हो गया है हमारा बीटरूट, तो हम इसे छील लेते हैं। अब ऊपर से ऐसे काटिए, नीचे से भी इस तरीके से छुरी की मदद से काटिए, और इस तरीके से आप उंगलियों से स्क्रैप करेंगे ना तो ऊपर की स्किन यानी कि ऊपर की जो परत है वो निकल जाएगी सारी। तो इसी तरीके से दोनों निकाल लीजिए और इन दोनों को बारीक बारीक पीस कर दीजिए। अब पीसेस आप चाहें तो बहुत ज़्यादा बारीक भी कर सकते हैं, थोड़े मोटे रख सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। मैं बहुत ही बारीक भी नहीं कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं रख रही हूँ, मीडियम साइज़ के कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं ऐसे। अब ये जो मिक्सचर साइड पर रखा है इसको एक बार चला लीजिए और इसमें डाल दीजिए हमारे बीटरूट के ऊपर, और इसे मिक्स कर लीजिए बहुत ही अच्छे से। अगर आपको अभी कुछ कम लगे तो आप डाल दीजिए बेशक। यहाँ पर मुझे थोड़ा थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने 1-2 कतरे है ना नींबू के रस के डाले हैं, 1/2 छोटा चाय का चम्मच मैंने फिर से शक्कर डाली है, और थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा नमक भी बढ़ा दिया है हल्का सा। अच्छा, इनको मिक्स करके थोड़ी देर आप साइड पर रहने दीजिए इन्फ्यूज़ होने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ जब आप डालते हैं, भले ही आप पीस के भी शक्कर डालेंगे ना, तो थोड़ी देर रहने दीजिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, रेस्ट होगा इसका, तो सलाद का जो टेस्ट है बहुत बेहतरीन आएगा। तो मैं समझी ना तकरीबन 10-12 मिनट के लिए इसे ढककर साइड पर रख रही हूँ। चलिए 10-12 मिनट हो चुकी है, यहाँ पर मैं एक बार चला कर इसे एक प्याले में निकाल लेती हूँ, और ये बन गया हमारा चुकंदर का सैलड कहिए या फिर बीटरूट सैलड कहिए। अच्छा, इसका टेस्ट कैसा होता है ना मालूम है, खट्टा मीठा रहता है। आपने देखा कि मैंने सिर्फ खट्टा और मीठा ही एडजस्ट किया और नमक एडजस्ट किया, बाकी की दोनों चीज़ों को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो बस चुटकी भर ही जाएंगी। है ना मज़ेदार रेसिपी? तो ये रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।